मान लीजिए TPM फ्लाई करना है हमको, उसके बाद उसको जो कैलकुलेशन किया हूँ वो सही है कि गलत है, उसका एरिथमेटिकल चेक के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई पॉइंट RL मतलब रिड्यूस लेवल पहले इसको भी डिस्कस कर देता हूँ जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। PS का मतलब है बैक साइड, IS का मतलब है इंटरमीडिएट साइड, FS का मतलब है फोर साइड, HI का मतलब है हेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL का मतलब है रिड्यूस लेवल। तो यहाँ पर मैं एक आर्बिटरी मान लीजिए उसको वैल्यू है 100, तो शुरू किया है उसका फास्ट जो लेता है उसको बोला जाता है बैक साइड, मशीन सेट करने का स्टार्टिंग में जो रीडिंग लिया जाता है उसको बोला जाता है बैक साइड, बीच में कोई भी रीडिंग लिया जाएगा उसका इंटर साइड में आएगा, और मशीन उठाने से पहले मतलब मैं मशीन सेट किया हूँ उसका स्टाफ का रीडिंग ले रहा हूँ, उसका लास्ट जो रीडिंग आएगा वो मेरा फील्ड बुक में फोर्थ साइड में आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए फास्ट वाला जो रीडिंग लिया है उसको बैक साइड है, मान लीजिए 1.240, उसका फिर फोर्थ साइड आ गया 2.100, फिर मेरा बैक साइड है 1.200, जो भी है फील्ड में जो आएगा 1.650, 0.100, 1.400, 0.900, 1.560, 1.005, 1.800। इसका एक दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में टोटल HI मेथड का कैलकुलेशन होता है। एक है नंबर वन फॉर्मूला है RL मतलब रिड्यूस लेवल जो है वहीं पर RL प्लस बैक साइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेकंड जो फॉर्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरसेप्ट और फोरसाइट इज इक्वल टू RL। तो ये दो फॉर्मूला लेके यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है RL प्लस बैक साइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब ए जो है RL जो हमने 100 मान लिया इसके साथ 1.25 ऐड करेगा तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो इसके साथ जो 100 है 100 के साथ 1.25, तो यहाँ पर मेरा RL था 100 था, उसका बैक साइड आएगा 1.240, तो इसके साथ ऐड करने के बाद मेरा आया 101.240। ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.240। तो फिर सेकंड फॉर्मूला में क्या लिखा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरसेप्ट और फोर्थ साइड इज इक्वल टू RL। ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद जो फोर्थ साइड आएगा वो माइनस करेगा तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट का RL आ जाएगा। तो उसी का हिसाब से 101.240 माइनस 2.1 इस पॉइंट का RL आ गया मेरा 99.14। इस सब में CP आ गया मेरा CP, इसका RL आ गया 99.140। तो फिर इसके साथ फिर बैक साइड जो है उसको ऐड करना पड़ेगा प्लस 1.2, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 100.340। फिर इसके साथ ही सेम प्रोसीजर माइनस करना है FS को 1.650, माइनस 1.650, ये आ गया 1.6, 98.6, 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
97.390 97.390 plus 0.9 98.290 minus 1.560 96.730 96.730 plus 1.00 97.735 minus 1.8 ये कैलकुलेशन मैं सही किया कि गलत किया उसका ही चेक के लिए मैं अभी बोलने जा रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन को चेक को आपको इतना बड़ा, ये तो मैं थोड़ा सा दिखाया हूं। अगर मान लीजिए आपका 10-12 पेज हो गया, आप कितना चेक करते रहेंगे जो मेरा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। उसका एक शॉर्ट मेथड है जिसका फॉर्मूला है जो टोटल बैक साइड माइनस टोटल फोरसाइड इज इक्वल टू लास्ट टरल माइनस फर्स्ट टरल। यहाँ पर टोटल जो बैक साइड है जितना 1.240 1.2 0.21 0.9 1.005 इसको ऐड करने के बाद मेरा आया है 4.445। टोटल जो फोर साइड है 2.100 1.650 1.4 1.560 1.8 इसको टोटल करने के बाद मेरा आया है 8.510। तो यहाँ पर फिर डाला है लास्ट टरल माइनस फर्स्ट टरल, मेरा लास्ट टरल यहाँ पर कितना है 95.935। फिर इसको माइनस कितना है 100। तो इसके साथ फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको माइनस करता हूँ 8.510। यहाँ पर मेरा आया है 4.065। इसको देखता हूँ कितना आता है, तो इधर भी मेरा आया 4.065। दोनों साइड इक्वल हो गया, तो मतलब जो कैलकुलेशन मैं जो किया हूँ अभी वो कैलकुलेशन सही है। ये जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ एक बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको अच्छा लगे, ये मेरा कैलकुलेशन आपका पसंद आया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।